यूपी की राजधानी लखनऊ के पुस्तक मेला में डॉक्टरों के संयुक्त टीम ने चलाया नेत्रदान जागरूकता अभियान। पुस्तकें प्रत्येक लोगों के जीवन में कल्पना की दुनिया से परिचित कराने, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने, उनके पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार करने के साथ साथ स्मृति और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होते हैं और इनका साथ आपके जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन सह संयोजक मनोज सिंह चंदेल द्वारा मोती महल लॉन में 1 अक्टूबर से कराया जा रहा है। आज 9वें दिन भी पुस्तक मेला देखने वालों की भीड़ देखी गई। रंगारंग कार्यक्रम के साथ केजीएमयू लखनऊ के नेत्र विभाग के अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा ने पुस्तक मेला में आए लोगों को नेत्रदान के लिए 4 दर्जन से अधिक डॉक्टरों के साथ पुस्तक मेला परिसर में कोविड-19 का पालन करते हुए रैली निकालकर नेत्रदान के लिए जागरूक किया। पुस्तक मेला का आयोजन चल रहा है, इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कब शुरू हुआ था, आज किस परिवार पर पहुंचा है? नमस्कार, ये हमारा 18वां पुस्तक मेला है। हम लोगों ने 2003 में इसकी शुरुआत की थी, बहुत छोटे से स्तर से शुरू हुआ मेला, आज एक विशाल पुस्तक मेले का रूप ले चुका है और भारत के 10 सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ का स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 अक्टूबर से शुरू हुआ मेला आगामी 10 अक्टूबर रविवार तक चलेगा। आज पुस्तक मेले का 9वां दिन है और बड़ी संख्या में पाठक लोग जो पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से अपने घरों में थे, उनको मौका नहीं मिल पा रहा था कि उनकी जो अच्छे अच्छी मित्र पुस्तकें हैं उनको वो देख पाए, खरीद पाए, थोड़ा बहुत जिनको की जरूरत ऑनलाइन से थी। और आज इस पुस्तक मेले में तमाम लखनऊ के सभी पाठक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं। और इस वर्ष भी हम लोगों की कोशिश है कि सभी भाषाओं की जो हमारी भाषाएँ हैं उनकी अच्छे साहित्य, बच्चों की किताबें, कॉम्पिटिशन बुक्स, इसके अलावा अध्यात्म वगैरह के जो अच्छे हमारे प्रकाशक हैं वो सारे लोग इस मेले में आए हुए हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है लोगों तक अपनी पुस्तकों को पहुँचाने का।